मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया ना। मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी, जबकि वास्तविकता ये नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था इंक्लूडिंग सचिन पायलट। वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे दो बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या। पिछले 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूँ, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मैं देता हूँ। और जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करें। जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा करके अपनी कोई चीज़ सौंपी थी और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं। और मैंने वो आज तक किया भी, मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था। और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। चूँकि कूकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फ़ोन आए कि आप अभी तक पहुँचे नहीं। मैं तुरंत जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में
इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेनड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेनड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। उसको अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई, उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट जी। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि तीन विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आई। अब इसकी एक बानगी आपको सुनवाना चाहता हूँ, सभी लोग उसको सुनिएगा एक बार। लैपटॉप से नहीं था, फोन से।
क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेनलाइजर आ नहीं सकता था ना सर। अच्छा ठीक है, लैपटॉप लिया। हाँ लैपटॉप भी लिया, फोन में फोन पे फोन पे फोन पे लिया। ठीक है तो लैपटॉप चल गया तो चल वो डिलीवर का वो फिर वाली वो तो सब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार की बात हुई थी ना। हाँ पकड़ गया। हाँ उसको पूरा आया था, डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया सर। 200% सर पूरा। मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी सर। जी जी सर।
वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे दो बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है, ऑडियो क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं। मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। यह आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था।